मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में लगातार कई नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार राज्य सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वह लगातार समाजवादी पार्टी के निशाने पर बनी हुई है। लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे माँ पीताम्बरा देवी के मंदिर। जी हाँ, आपको बता दें कि महायज्ञ में शामिल होने के लिए वह पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर किया। दरअसल यहां पर भारी मात्रा में नेता कार्यकर्ता उतरते हुए नजर आए और ऐसे में देखा गया कि यहां पर ब्लैक झंडे हाथ में लेकर यहां पर अपने गुस्से को वह जाहिर करते हुए देखे गए। तो ऐसे में इस नारेबाजी को देखते हुए अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी ने ये गुंडे भेजे हैं। बीजेपी को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर किया मां पीतांबरा देवी के मंदिर पहुंचकर। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव किस तरह से अपनी नाराजगी को बार बार जाहिर करते हुए देखे गए हैं और बीजेपी को वह बेहद बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं कि वह डरने वाले नहीं है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। विष्णु को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं, बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़े। पीछे 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 देखिए, ये व्यवहार किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ भी हो सकता है व्यवहार, इसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है। याद रखिए ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि जानने के लिए बीजेपी की इजाजत लेनी पड़ेगी। बीजेपी बेरोजगारी महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। जी क्या लगता है, क्या बीजेपी को क्या इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? बीजेपी को इजाजत लेनी पड़ेगी क्या चीज धार्मिक आयोजनों में जाने के आपका विरोध हो रहा है? ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी, मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से धोया था। आज मैं समझ सकता हूँ। जब हम बात कर रहे हैं तो देखो बीजेपी के गुंडे आ गए उधर, बीजेपी के गुंडे उधर बाई तरफ घूम रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से यहां पर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। अब देखना यही होगा कि बीजेपी यहां पर एक बार फिर से जवाब देती हुई नजर आएगी और ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां मैदान में है और ऐसे में देखा जाए तो आगामी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव जीत बोलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।